आज का जो टॉपिक है वो है वेव फॉर्म ऑफ SHM। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, आज उसी मोशन का आपको वेव फॉर्म भी बता देते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, एक सपोर्ट के साथ हम एक स्प्रिंग को सस्पेंड करेंगे और उस स्प्रिंग के साथ मास अटैच कर देंगे। इस मास के साथ हम एक पेंसिल भी अटैच कर देंगे। वो पेंसिल इस तरह से अटैच कर देंगे कि जैसे ये ऊपर नीचे मूव करेगा, वो पेंसिल जाकर कागज के ऊपर अपना निशान छोड़ देगा। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ, फिर उसको छोड़ देंगे ताकि ये मास जो है ऊपर नीचे अपना वाइब्रेशन स्टार्ट करे, SHM स्टार्ट करे। जब ये मास अपने जगह पे होगा ऊपर जाएगा x नॉट एम्पलीट्यूड, और वापस जब नीचे आएगा तो x नॉट वो भी एम्पलीट्यूड के लगेगा। यहां तक भी उसका मैक्सिमम डिस्टेंस है और यहां तक भी मैक्सिमम डिस्टेंस है, x नॉट एम्पलीट्यूड को शो करेंगे। दरमियान में ये जहां पर भी होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट x से शो करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इस सिस्टम के नीचे एक कागज की एक पट्टी भी रख देते हैं, साफ सुथरा सा कागज का एक पट्टी, उस तरह से कि ये कागज हम लोग उसको आगे की तरफ मूव कर सके। तो क्या होगा, ये जो पेंसिल है, पेंसिल ऊपर नीचे होता जाएगा और कागज आगे मूव करेगा, तो इससे कागज के ऊपर इस तरह का नक्शा आएगा उस पेंसिल की वजह से। ऐसा नक्शा स्प्रिंग की मोशन की वजह से आएगा, इसको आम अल्फाज में साइन वेव बोला जाता है, साइन वेव। और इस साइन वेव को वेव फॉर्म ऑफ द SHM भी कहा जाता है। पहले आपको सिर्फ मूवमेंट नजर आ रही थी, अब ये SHM का कागजी शक्ल है, ठीक है। कागज पर भी आप SHM को इस तरह से शो कर सकते हैं। अगर हमने इस कागज को सामने की तरफ मूव नहीं किया तो कागज एक ही जगह पर, पेंसिल एक ही जगह पर ऊपर नीचे होता जाएगा और हमें इस तरह का नक्शा नहीं मिलेगा। इसीलिए कागज को आगे मूव करना होगा, तब जाकर हमें यह नक्शा मिल जाएगा। इस पर ये जो कैपिटल लेटर्स है, ए कैपिटल बी कैपिटल सी डी ई एंड सो ऑन, ये सारा का सारा मीन पोजीशन को शो कर रहा है, क्योंकि ये जो मास है शुरू में जाबरों का, दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये एक्सट्रीम पोजीशन को शो करते हैं। आइए आपको दिखा देते हैं। जब आपका स्प्रिंग ऊपर की तरफ मूव करेगा, सबसे पहले ऊपर की तरफ जाएगा तो पेंसिल यहां आ जाएगा पॉइंट स्मॉल ए की तरफ, फिर मास दोबारा अपने हालत मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो ये लाइन आपको यहां पे ले आएगा। उसके बाद ये मास जब नीचे आएगा सो आपको ये लाइन मिल जाएगा, और नीचे से वापस ऊपर जाएगा सो यहां पर आके मीन पोजीशन में दोबारा आ जाएगा। ये ऊपर नीचे तो हो जाएगा, मूव करता रहेगा, लेकिन यहां तक एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। एक चक्कर का मतलब क्या है, इसका ऊपर नीचे वापस नीचे और नीचे वापस अपनी मीन पोजीशन पर, दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। दोबारा देखिए, अप टू मीन पोजीशन बैक, डाउनवर्ड टू मीन पोजीशन बैक, तो चार प्रोसेस आ गए, दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। ये देखिए, अप मीन पोजीशन तक, डाउन अगेन मीन पोजीशन अप, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। इसी तरह से सेकेंड वाइब्रेशन, थर्ड वाइब्रेशन आप लोग सारे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमें मजीद जरूरत नहीं है। सो ये आ जाएगा वेव फॉर्म ऑफ SHM। अब आप जरा देखिए कि ये जो एक वाइब्रेशन है यहां से लेकर सी तक, कैपिटल सी तक, इसके चार हिस्से हैं, तो टाइम को हम लोग चार में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1T/4 यानी टोटल हिस्से का पहला टाइम, टाइम के चार हिस्से हो गए, चार इवेंट्स है तो टाइम को भी चार हिस्से डिवाइड करेंगे। 1T/4 यहां से लेकर यहां तक, 1T/4 1T/4 1 लिखा नहीं जाता है,
सो जस्ट टी अपॉन फोर. फिर दूसरे हिस्से में टू टी अपॉन फोर, तो दैट विल बी योर टू टी अपॉन फोर. आप उसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा टी अपॉन टू आ जाएगा, सही. फिर इस हिस्से को क्या लिखेंगे, थ्री टी अपॉन फोर, सो दैट इज योर थ्री टी अपॉन फोर. और लास्ट में फोर टी अपॉन फोर, इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा ओनली टी. सो ये चार हिस्से हैं, ठीक है. ये टाइम के हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये टाइम गुजर रहा होगा, किस टाइम में ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट ने कवर कर होगा, ये तो हमें बताएंगे टाइम. अब थोड़ा सा दूसरा जो टॉपिक है उससे समझाने से पहले, जिसका नाम है SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये दूसरा टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाला है, SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इस टॉपिक को समझाने से पहले आप लोग थोड़ा, मैं आपको थोड़ा सा जनरल चीजें बताता हूं. ये एक सर्कल है और इस सर्कल में जब आप किसी चीज को यहां से स्टार्ट करोगे, बिल्कुल यहां से जीरो डिग्री, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आओगे 90 डिग्री पर आओगे, 90 डिग्री को हम लोग पाई अपॉन टू लिखते हैं. जब आप मजीद सर्कल में मूव करेंगे 180 तक आ जाएंगे, इसको हम लोग 2 पाई अपॉन 2 लिख देते हैं. जब आप अपने हरकत को एक दायरे में कंटिन्यू रखोगे तो फिर आप 270 इधर जब आप आ जाओगे, सो इसका लेस 270 डिग्री को 3 पाई अपॉन 2 बोला जाता है. और जब आप वापस अपने मीन पोजीशन पर आ जाते हैं तो आपने एंगल जो कवर किया है 360 डिग्री का आपने एंगल कवर किया, और 360 को 4 पाई अपॉन 2 लिखा जाता है. अगर इसको कैंसिल किया जाए तो ये हो जाएगा 2 पाई, इसको कैंसिल किया जाएगा तो ये जस्ट पाई आ जाएगा, सही. सो 180 डिग्री को हम लोग पाई भी बोलते हैं. जिस तरह एक वाइब्रेशन के अंदर चार हिस्से हमें नजर आए, बिल्कुल इसी तरह एक सर्कल में जब एक चीज मूव कर रहा होता है तो उसके भी चार हिस्से होते हैं. अब हमने करना क्या है, हमने एक SHM को, जो बिल्कुल सर्कुलर मोशन नहीं है, इज इट सर्कुलर, नहीं, एक SHM बॉडी जो SHM परफॉर्म कर रहा है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे सर्कुलर मोशन के साथ, और साबित करेंगे कि कोई चीज जब सर्कल में मूव कर रहा होगा तो वो भी SHM परफॉर्म करता है. कैसे, आपको वहां बता देते हैं, ठीक है. ये भी थोड़ा सा सीख ले. आप जब सर्कल पे यहां पे होते हैं, सर्कल में जब मूव करते हैं, कौन सा मोशन का नाम, इसका नाम है सर्कुलर मोशन. तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाते हैं, आपने कितना फासला कवर किया हुआ है, वो फासला हम लोग यहां एंगल से बताते हैं. सपोज आप शुरू में यहां पे थे, सर्कल के सेंटर से लेकर यहां तक जो है, या अभी तक आपने डिस्टेंस कवर नहीं किया, दिस इज योर रेडियस, इज इट रेडियस. आपने यहां से लेकर आप यहां तक आ गए तो हम रेडियस को यहां पे ले आएंगे, और ये जो एंगल है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. आपने कितना फासला तय किया, थीटा से पता चलेगा. अब देख यहां तक अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब ये है कि आपने 45 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट कवर किया. जब आप यहां पर पहुंच जाते हैं तो इस लाइन को फिर हम लोग यहां पर लाएंगे, इसका मतलब यह कि आपका थीटा जो है अब वो 90 डिग्री है. सर जैसे जैसे आप सर्कल में मूव करते जाएंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा, थीटा बताएगा. जितना एंगल कवर करेंगे उतना ही आपका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है. सो थीटा आपको सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट बताते हैं. इन दो चीजों को सीखने के बाद मैं अब अपने टॉपिक पर आता हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इस मोशन में आप इसको दूसरे वीडियो में देख लेते हैं, इन द सेकेंड वीडियो, क्योंकि ये हो गया नेक्स्ट वीडियो में, ताकि टाइम भी थोड़ा सा कम हो जाए.